अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल्स। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग फिगर। नो ए एंड 30 आर एडजेसेंट एंगल्स। सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन is equal to 180. Now A is equal to 180 minus 30. The answer is 150. Okay. Now X, 40, 70, these are also adjacent angles on a straight line. Sum of the adjacent angles on a straight line is equal to 180. X plus 40 plus 70 is equal to 180. X plus 110 is equal to 180. X is equal to 180 minus 110. Answer is 70. Now these are some of the angles at a point is equal to 360. 4B plus 5B plus 3B is equal to 360. For 9, 12 is equal to 360. B is equal to 360 over 12. 12 ones are 12, 3s are. B ki value kya aagi hamare paas? 30. Students, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग फिगर। 2b प्लस 13 और 103 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई 2b प्लस 13 इज इक्वल टू 103। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2b इज इक्वल टू 103 माइनस 13। यहाँ पे इसका आंसर आ गया, 103 में से जब 13 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। 2b इज इक्वल टू 90, b इज इक्वल टू 90 ओवर 2, आंसर आ गया 45। अब नेक्स्ट है ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अब E इज इक्वल टू, ये E और ये दोनों क्या हैं, दिस वन और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। E इज इक्वल टू 62 प्लस 49। अब इसका आंसर आएगा 9 to 62, 49 में ऐड करें तो गया 11 एंड देन 10 11, ये E की वैल्यू आ गई 11 11 1 11। अब हम यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 3c, अब ये 3c 49 एंड 62, ये एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। 3c प्लस 49 प्लस 62 इज इक्वल टू, ये सारे एंगल्स इस स्ट्रेट लाइन पे हैं, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, इज इक्वल टू 180। अब 3c प्लस ये बन गया 111 इज इक्वल टू 180। 3c इज इक्वल टू 180 माइनस 111। अब c इज इक्वल टू 180 में से 111 माइनस करेंगे तो 69 आंसर आ जाएगा, और 69 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 69 डिवाइडेड बाय 3, 3 टू ज़ा 6 और 23 सी की वैल्यू 23 आ गई। अब हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डी और ये और डी और 3c जो है दोनों आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकल अपोजिट
एंगल्स हैं। अब डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू है 23, सी की वैल्यू 23 है, तो इसको हम 3 से थ्री थ्री ज़ा 9 और 3 टू ज़ा 6, डी की वैल्यू क्या आ गई 69। स्टूडेंट्स यहाँ पे 7A एंड 103 आर एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइंस एंड सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। 7A इज इक्वल टू 180 माइनस 103, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 77। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 77 डिवाइडेड बाय 7, 11 आंसर आ जाएगा।